हेलो फ्रेंड्स, आइए बताते हैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतम रूप कौन सा है? सही आंसर है लोकतंत्र। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस। निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? ऑप्शन नंबर सी, आर निस्बेट। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? अगर आपको इसका आंसर आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4 को आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर क्या होगा? स्पार्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसने प्लेटो के न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? तो सही आंसर है फोस्टर। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया जो निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया? दी टिमाओस इसका सही आंसर है। फिर है असर्शन रीजन का क्वेश्चन। प्लेटो के लिए ज्ञान ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना राय, सही मत ज्ञान है कारण दिया गया, और उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए सही है। ठीक है, और जो आर दिया गया था वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 9-8 को देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटागोरस। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बताइए। जहाँ भी आपको जरूरत हो वीडियो को पॉज करके इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था, किनके विचारों को लिया था? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को आप रिपीट करके देख सकते हैं और इनका सही क्रम आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि भी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी, लेविंसन इसका सही आंसर है। प्लेटो के समर्थक लेविंसन है। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो इन सभी के द्वारा किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया जो कि आपके क्वेश्चन पेपर 2 में जरूर आएगा, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है, और आर जो है जो यहाँ पर कारण दिया गया है वो गलत है। पॉज करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, पॉज करके या रिपीट करके। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है, ये गलत है। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया? ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकार। गुफा और परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। ठीक है, गुफा परछाइयों का विचार किससे संबंधित है? प्लेटो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है? प्लेटो के रिपब्लिक। नीचे दिए गए लेखों में द लॉज का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। निम्नलिखित में से बताइए किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? तो इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स, जबकि बाकी के 3 पुस्तकों को प्लेटो ने लिखा था। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन किसका है? यह कथन भी प्लेटो का है। रूसो की सामान्य इच्छा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 का प्लेटो और क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी की वास्तविक इच्छा का योग। क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं, सामाजिक जरूरतें। कौन सा आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्तिगत का प्राकृतिक? यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए पहले, हॉब्स होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। प्राकृतिक अधिकार मानता है आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्तिगत का प्राकृतिक अधिकार, हॉब्स। यहाँ पर मैचिंग दी गई है जिसको कि आप लोग पॉज करके देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, 2413 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस मैचिंग को प्लीज पॉज करके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण का अग्रणी के रूप में माना जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 29, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सरकार सांझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के सांझे हेतु हितों के प्रति संवेदनशील होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वितनात्मक न्याय। क्वेश्चन नंबर 31, अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है और वह है ऑप्शन नंबर ई एथेंस का संविधान जो आज भी विद्यमान है। कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31 को फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर एथेंस का संविधान। क्वेश्चन नंबर 32, सही आंसर प्रजा की गरिमा से असंगत। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33, और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी केवल तीन। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा केवल तीन। ध्यान से देख लीजिए इसको, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया और उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों ही जो सही अभिकथन और कारण दिए हैं दोनों ही सही है और सही व्याख्या है। पॉज करके जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs है फॉर पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 35, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी यानी फैलिस हिप्पोडेमस और प्लेटो। अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में किसका सही अनुक्रम, यहाँ पर जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है, इसमें से आपको चूज करना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 4, 2, 3 इसका सही आंसर होगा यानी मैचिंग होगी सही ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से चाहें तो आप क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसका सही आंसर भौतिक औपचारिक अंतिम और निमित्त कारण नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद यहाँ ऑप्शन नंबर डी को देखिए सही आंसर है। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दास प्रथा उचित सिद्ध की क्योंकि यह दास के लिए शेष स्थितियां नहीं दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है और क्या होगा इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है किसने व्यक्त किया, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटी। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन को देखिए और समझ के आंसर करिए, और अगर आप चाहते हैं आप और MCQs चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 41 का अरस्तु, वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक अरस्तु था। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको और MCQs कराएं पॉलिटिकल साइंस के तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, कथन किससे संबंधित है, अरस्तु से। यह किसका कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है, ऑप्शन बी उन वस्तुओं को जिसको आदमी पाने की समय समय परीक्षा करता है पाने में निरंतर सफलता। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को शासन के आदर्श रूप में स्वीकार नहीं किया, ऑप्शन ए हॉब्स। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 47, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है, हॉब्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीन प्रतिपादक हॉब्स लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, यानी राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है, क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित में से कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सत्ताधारी के विरुद्ध करना। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और पायु था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हॉब्स ने ये कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 51, हॉब्स के बारे में किसने कहा है? हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी, एवेंस्टीन ने कहा। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर बी, दैवीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53, हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था? देखते जाइए क्वेश्चन और आंसर करते जाइए फटाफट। और अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो यानी और MCQs, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन करिए, यानी कमेंट में लिख दीजिएगा मोर MCQs। ठीक है, 53 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच। रूसे के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत साधारण सुखी था, किंतु बाद में यह भ्रष्ट हो गया संपत्ति के विकास के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन MCQs अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।